न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत नेपाल की दोस्ती दिन पर दिन और गहरी होती जा रही है, लेकिन ये दोस्ती चीन को चुभ रही है। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के पीएम देउबा के निमंत्रण पर नेपाल दौरे पर गए थे। पीएम मोदी का ये दौरा चीन की नजरों में खटक रहा है। यही नहीं, भारत के साथ तल्ख रिश्ते रखने वाले चीन को बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा कि नेपाल और भारत की दोस्ती गहरी हो। इसके लिए चीन समय समय पर अपने तेवर दिखाता रहता है, लेकिन फिर भी इन सब के परे भारत के साथ नेपाल का रिश्ता कई मायनों में और भी गहरा हुआ है और इसी को देखकर चीन को मिर्च लग रही है। भारत और नेपाल के गहरे संबंध को देखकर आखिर क्यों बिदबिदाया चीन और पीएम के दौरे से ड्रैगन को क्यों लगी मिर्ची, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन की चाल पर भारत का पलटवार। नेपाल दौरे पर आज पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने नेपाल के साथ और गहरे किए संबंध। कुल 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी के दौरे से चीन में खलबली। जाने भारत नेपाल की दोस्ती चीन को क्यों चुभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल पहुंचे। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर उनका दौरा तय हुआ। साल 2014 के बाद से पीएम मोदी 5वीं बार नेपाल गए हैं। पीएम मोदी का इस वक्त नेपाल दौरा चीन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल सरकार अपने देश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को चीनी कंपनियों के बजाय भारतीय कंपनियों के संपर्क में रख रही हैं। इस संबंध में नेपाल पीएम और मोदी के बीच बातचीत भी हुई और यही वजह है कि पीएम मोदी का नेपाल दौरा चीन के गले नहीं उतर रहा है। चीन की नजरें पीएम मोदी के नेपाल दौरे पर टिकी रही। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आपस में कई समझौतों पर चर्चा की और साथ ही व्यापारिक सहित राजनयिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाने की ओर फैसला लिया। यही बात चीन को न गवारा है। यही पहली बार नहीं है जब चीन को भारत के साथ नेपाल को देखकर दिक्कत हो रही है। इससे पहले भी चीन साफ कर चुका है कि उसे भारत और नेपाल के अच्छे संबंध से दिक्कत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान आज कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान किया गया। वहीं नेपाली समक्ष के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में जल विद्युत, विकास और कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई। साथ ही पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुम्बिनी में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, पनबिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी ने बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। आपको बता दें कि इन सबके बीच चीन के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो चुका है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में नेपाल यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। यह और बात है कि कोई भी BRI से जुड़ा नहीं था। चीन के नेपाल में घुसपैठ से भारत हमेशा चौकन्ना रहता है। इसकी वजह यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चीन उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है। भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। राजनीतिक लिहाज से नेपाल भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। BRI में नेपाल का शामिल नहीं होना चीन के लिए झटका था। वांग यी के लिए इस इनिशिएटिव पर नेपाल को तैयार करना पहली प्राथमिकता थी। नेपाल ने ऊंची ब्याज दरों और इसके लिए कड़ी शर्तों पर चिंता जताई थी। वह पहले ही श्रीलंका को देख चुका है, कैसे अनाप शनाप शर्तों वाले कर्ज को ना चुका पाने के कारण उसने मुसीबत मोल ले ली है। नेपाल को भी डर था कि कहीं इस चक्कर में वह अपनी संप्रभुता को खतरे में न डाल दे। वैसे चीन की असलियत धीरे धीरे जग जाहिर होने लगी है। कैसे वह कर्ज की लॉलीपॉप दिखाकर अपना साम्राज्य फैलाता है, इसके उलट भारत ने इन देशों को आसान शर्तों के साथ कर्ज दिया है। अमूमन ये कर्ज ग्रांट के रूप में दिया गया है। नेपाल में नई रेलवे लाइन की पूरी लागत भारत वहन कर सकता है। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन नेपाल के क्षेत्र में अवैध कब्जा करता जा रहा है। खास तौर से पश्चिमी नेपाल के इलाकों में चीन की काफ़ी घुसपैठ हुई है। देउबा से पहले नेपाल में चीन के इशारे पर काम करने वाली कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में थी। तब चीन ने नेपाल की काफ़ी ज़मीन हड़प ली। ये सच सामने आने के बाद भी नेपाल ने चीन को रोकने की कोशिश नहीं की। नेपाल को ड्रैगन के विस्तारवादी मंसूबों का एहसास हो चुका है।
यही कारण है कि उसने पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पैच यही कारण है कि उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के झांसे में आने से मना कर दिया। श्रीलंका की तरह वह अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहता है। श्रीलंका आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। देवबा की भारत के शीर्ष नेताओं के साथ इन सभी मसलों पर चर्चा हो सकती है देवबा का भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कारोबार, निवेश, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में वे भारत का सहयोग चाहते हैं। इसके लिए आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वही सीमा पार रेलवे परियोजनाओं की भारत फंडिंग कर रहा है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्व रखता है, खास तौर से ये देखते हुए कि नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में शामिल होने के चीन के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। भारत नेपाल के संबंध किसी से छुपे नहीं है, ये बेहद घनिष्ठ रहे हैं और जब जब नेपाल पर मुश्किल पड़ी है भारत ने उसको उबारने में अपने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या समय समय पर कोविड का, भारत ने नेपाल की हर मुमकिन मदद की। नेपाल के लिए भारत आवश्यक वस्तुओं का सबसे बड़ा सप्लायर भी रहा है। दोनों देशों के बहुत पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। हालांकि भारत ने इसका कभी हिसाब नहीं मांगा। वही चीन जब जब कहीं घुसा है तो उसने वहां पर अपना हस्तक्षेप किया है। श्रीलंका और पाकिस्तान इसके उदाहरण है। और अब चीन नेपाल को अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपने पड़ोसी देश और खास दोस्त नेपाल को चीन के चंगुल से बचाने में सफल हो रहा है। यही वजह है कि PM के दौरे से चीन को इतनी जलन हो रही है। फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान के आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।